क्या सामने अरे ओके गणेश्वर जी, सबसे पहले तो आप इस एल्बम के बारे में इधर देखेंगे आप। वृंदावन बिहारी कृष्ण कृष्णचंद्र की कृपा से ही मैं ये एल्बम बना चुका हूँ और उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं, कृष्ण भगवान के नाम से ही मैंने कृष्णम कृष्णम करके एक बहुत ही सुंदर एल्बम बनाया हूँ और सबका सहयोग मुझे मिला है। यहाँ पर विशेष तौर पर हमारी साथी जो है मंजू मिश्रा, इनका विशेष तौर पर मुझे साथ मिला है और साथ उन्होंने उन्हीं के द्वारा मुझे उनकी भतीजी जो है अपनी राजश्री अग्रवाल, इन्होंने जो संगीत का अरेंजमेंट किया है और मेरे साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत मेहनत से काम किया और साथ में हमारे रवि जी हैं, रवि त्रिपाठी जी जो बहुत अच्छे गायक हैं, उनका भी हमको सहयोग मिला और हमारे जितने भी संतोष मिश्रा करके हैं उन्होंने भी बहुत मदद की। इस प्रकार से ये सीडी बहुत ही सुंदर प्रस्तुत की गई है और मैं समझता हूँ कि सभी पब्लिक को, सभी साधारण व्यक्ति को भी ये सीडी के जो भजन है बहुत पसंद आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। कितने भजन हैं इस सीडी में? इस सीडी में कितने भजन? हमारे 10 भजन हैं टोटल और लगभग सब आपने लिखे हैं। इसमें कुछ गाए भी हैं आपने? हाँ, उसमें मैंने भी गाया हूँ, मैंने 3 भजन गाया हूँ और कुछ दूसरे जो है हमारे रवि त्रिपाठी जी जो है और मंजू मिश्रा जी है इनके साथ में और कविता जयराम करके एक गायक है अपने मुंबई की, उन्होंने भी इसमें एक भजन प्रस्तुत किया है। ऐसा कुल मिलाकर हम 10 भजन कर सकते हैं इसमें। गणेशो जी, आपके गाए हुए 3 गानों में से कोई भी एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो जरा सब गुनगुना के सुना दीजिए। राधे रटो राधे रटो राधे रटो राधे रटो मेरे मना शाम ना मिलेंगे राधे नाम के बिना, शाम ना मिलेंगे राधे नाम के बिना। राधे रटो राधे रटो राधे रटो राधे रटो मेरे मना शाम ना मिलेंगे राधे नाम के बिना। धन्यवाद। इस एल्बम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूं? कमाल यह है, मिस्टर धनेश्वर यादव जी ने बहुत ही अच्छे गाने लिखे हैं। इनके लिरिक्स रियली वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहूंगी आप सब सुने इसको और बहुत ही गहराई है इनके गानों में, जिनको सुन के सबको बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। कितने गीत गाए हैं आपने इसमें? मैं मिस्टर धनेश्वर यादव जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस एल्बम में गाने का मौका दिया। मैंने इस एल्बम में 3 गाने गाए हैं और एक मेरा डुएट है धनेश्वर यादव जी के साथ। सबसे पसंदीदा जो भी भजन आपको इसमें लगता हो उसका एक दो लाइन आप मैंने इसमें एक गाना गाया है कर्म कर हरि के लिए, वो मेरा सबसे पसंदीदा गीत है। सामने कर्म कर हरि के लिए यही है सच्ची पूरी
गा रहे हैं, कई रोमांटिक गीत गाए हैं, कई अलग अलग गाने गए, भजन गाने में कैसा बहुत अच्छा कैसा लगता है? भजन हमेशा, जब भी भजन गाया मैंने ना, तो बहुत शांति मिलती है और हम इसी बहाने उस क्षण के लिए अपने आप को ईश्वर करीब पाते हैं। और एक कंप्लीट सिंगिंग अगर मैं कहूँ तो भजन में लिमिटेशंस भी नहीं होती, आप सीखा है तो भजन गायकी में दिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भजन गाते समय। इस एल्बम के बारे में क्या कहेंगे आप? कृष्ण, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है राशि अग्रवाल, तो जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, इसके बारे में बताया कि यादव जी हैं और वो टीचर थे, 75 ईयर्स के हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी एक ऐसा सपना है उनका कि एक एल्बम बनाया जाए। हमने कहा भी अगर कोई इतनी इच्छा है उनकी है तो हमारा जितना सहयोग हो सकता है मैं पूरा देता हूँ अपनी ओर से, और मैंने कोशिश की कि जितना हर तरह सहयोग दिया जाए। बहुत अच्छे कंपोजिशंस थे और बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस एल्बम का मैं पार्ट रहा, कृष्णम कृष्णम का। इसमें दो भजन जो आपने गाए हैं उसमें जो आपका कौन सा सबसे पसंदीदा गीत है, उसे गाने सारे अच्छे हैं, भजन सारे अच्छे हैं, मैं चाहूंगा कि दर्शक हमारे सारे भजन सुने और उसमें से एक मुझे जो मैंने गाया है उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ। मोरे सांवरे सलोने नंदला, मोरे सांवरे सलोने नंदलाल, बिरज में रास रचायो रे, बिरज में रास रचायो रे। तो आप सब सुनिए और आप सबको पसंद आए, आप सब शुभकामनाएं दीजिए, ऐसी इच्छा करता हूँ मैं। आखिरी सवाल जी, कृष्ण जी महान रसिया थे और आपने रसवा गाना गीत भी गाया है, आप कितने रसिया हैं ये बताइए। देखिए, जो कहते हैं ना कि सारे रस तो सब आदमी के अंदर छिपे होते हैं, तो जब समय पड़ता है हम रसिया हो जाते हैं, जब समय पड़ता है हम भक्त हो जाते हैं, जब समय होता है सीरियस हो जाते हैं, तो हर इंसान एक कंप्लीट सम्मिश्रण है। तो मैं भी एक बनाया हुआ पुतला हूँ, तो मैं भी जब समय लगता है तो रसिया हूँ। अब कितना बताऊँ वो तो समय मतलब बताया नहीं आ सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कृष्ण जी, इस एल्बम को बनाने में आपका कितना बड़ा हाथ रहा है, आप इस पर रोशनी डालिए। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मिस्टर धनेश्वर यादव को, जिन्होंने मुझे मेरे करियर को एक रिलीजियस स्टार्ट दिया इस एल्बम के थ्रू, और बहुत ज्यादा मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था इस एल्बम से, बिकॉज मैंने उनके लिए सारे गाने प्रोग्राम किए, अरेंज किए, और जितना अच्छा मुझसे हो सकता था मैंने काम किया। आई होप सब लोगों को पसंद आए। और उसके अलावा उन्होंने मुझे एक गाना कॉम्पोजिशन कंपोज करने का भी मौका दिया, और वो उस गाने का नाम है श्याम सुंदर गिरधारी। एंड बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरा इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैं मिली, और रवि त्रिपाठी जी ने मुझे बहुत हेल्प किया इस प्रोजेक्ट को, बिकॉज उन्होंने खुद गाने गाए और मुझे थ्रू आउट एक इस प्रोजेक्ट को कैसे हम सबसे बेस्ट कर सके वैसा मुझे मिसेज मंजू मिश्रा, उन्हीं के थ्रू मैं यादव सर से मिली। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल, बिकॉज आई हैव जस्ट बिगन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे एक भजन के थ्रू अपना करियर स्टार्ट, भजन प्रोजेक्ट के थ्रू एक अपना करियर स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला। इसके बाद क्या आगे ये फ्यूचर प्रोग्राम किया? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली एक म्यूजिक कंपोजर हूँ और साथ साथ अरेंजमेंट्स के भी प्रोजेक्ट्स ले रही हूँ, और अभी मेरे हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। एक प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं बैकग्राउंड स्कोर भी कर रही हूँ, और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए गाने कंपोज कर रही हूँ। तो धीरे धीरे सब कुछ बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक अच्छे से सब आना चाहिए। इसके बाद आप धनेश्वर जी के लिए कोई और डेफिनेटली, अगर वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी वापस देते आई वुड लव टू डू दैट, क्योंकि उनका जो पैशन मैंने देखा म्यूजिक की तरफ इस एज में वो बहुत ज्यादा था, और बस उसी पैशन को देखते हुए मैंने बस मन में ठान लिया कि मुझे जैसे भी अपना बेस्ट करके इनके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाना है। मुझसे जितना हो सके मैंने उतना किया इनके लिए।